हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस स्किल। तो अब हम लेकर आने वाले हैं, आपका टेंथ का एग्जाम होने वाले हैं, ट्वेल्थ का एग्जाम सेशन सभी की लास्ट हो रही है, खत्म भी हो गई है। तो हम आपके लिए जो वीडियोस लाएंगे वो अभी फिलहाल ट्वेल्थ के लिए ला रहा हूँ, फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ, यानी कि तीनों के लिए, फिजिक्स का, केमेस्ट्री का और मैथ्स का। पहले मैं करूंगा इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि आप अब खुद समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए कितना फायदेमंद भी है, क्योंकि 50% आपकी ऑब्जेक्टिव है, अगर आप उसको टिक करते हैं दोस्त तो उसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं होती है। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो उसमें आप एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग बेसिस पे, चाहे लॉन्ग आंसर को अगर शॉर्ट कर दिया, चाहे शॉर्ट को आंसर लॉन्ग कर दिया, तो वो उन पे डिपेंड करेगा कि वो नंबर कितना देते हैं। लेकिन इसीलिए हम सबसे पहले जो कंप्लीट करेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, यानी कि पहले ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का 50% ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्त आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें और नीचे वाला जो रेड बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सीधा प्राप्त हो सकेगा, और बेल आइकन्स को भी दबा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फिजिक्स वाले क्वेश्चन का। तो हमेशा फिजिक्स से या केमिस्ट्री या मैथ्स सभी पांच पांच सेट में ला रहा हूँ दोस्त। तो सबसे पहले अब आज हम लोग देखेंगे विजस्ट और फिजिक्स का ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव पेपर पार्ट वन। टोटल पांच पांच पार्ट रहेगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी है, और दूसरा कि उसका सॉल्यूशन भी रहेगा, मतलब कि कैसे ये चार ऑप्शन में से हम इसी को क्यों टिक कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप इनको रट लो, एकदम 100% श्योर क्वेश्चन है, आप बिल्कुल पढ़ते रहो, कभी हार नहीं मानो, यही कामना है मेरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर, टी का समतुल्यांक निर्वात में अगर हमको निकालना है, हमें पथ की लंबाई निकालना होता है, तो उसका समानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी। तो राइट आंसर हो जाएगा एन टी। फिर अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होते हैं? चार ऑप्शन दिख रहा होगा, संरक्षी, असंरक्षी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्त राइट आंसर हो जाएगा संरक्षी होते हैं। नेक्स्ट है, एक कूलम्ब आवेश कितना ESU के बराबर होता है? तो एक कूलम्ब आवेश में 3×10^9, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा संरक्षी, 3×10^9 ESU इसका राइट आंसर होगा। फिर है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश होता है कूलम्ब पर केजी में, वो होता है 1.8×10^-11। हमेशा यहाँ पे दोस्त गड़बड़ा जाते हैं आप लोग, 10^ वाला कन्फर्म याद नहीं कर पाते हैं। तो ये चूंकि विशिष्ट आवेश बोला जा रहा था, इसलिए राइट आंसर यहाँ करेंगे 1.8×10^-11 कूलम्ब पर केजी, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया फिगर है और इस फिगर में एक प्लेट पे हमें आवेश निकालना है, यानी कि क्यू का वैल्यू निकालना है। आपको पता होगा हमें क्यू का वैल्यू निकालना है, तो क्यू का फार्मूला क्या होता है दोस्त? C×V। क्यू का फार्मूला होता है C×V, और इस फिगर में देख रहे हैं तो सी का वैल्यू दिया है 2 μF, और हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे 10 है, तो कुल मिलाकर जो मेरा यहाँ पे इस प्लेट पे भी का वैल्यू होगा वो 20 में से 10 को घटा देंगे, तो 20-10=10, यानी कि मेरे टोटल भी का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 10 हो गया, और हमें एक प्लेट पे कुल बोल सकते हैं कैपेसिटेंस इसका 2 μF है, तो सी का वैल्यू दिया है सवाल में 2, और मेरा वी आया फाइनल 20 में से 10 गया तो 10, यानी कि इसको 20 आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 20 μC -20, तो राइट आंसर इज 20 μC। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? आपको पता होना चाहिए दोस्त, जब आप 10th क्लास का अगर साइंस निकालेंगे वहां पर पढ़ेंगे आप, तो वहां पर दिया हुआ था कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 30,000 होता है, लेकिन आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 50,000, 10,000, 1,000, 10 ओम, 1 ओम, 1,000, 10,000, तो इसमें हम अप्रोक्स जो करेंगे वो 30,000 के अप्रोक्स में
15,000। तो अगर आप टेंथ वाले कैंडिडेट्स होंगे तो टिक करेंगे 30,000। अगर 30,000 टेंथ के बुक आप पढ़ेंगे तो वहाँ एनसीईआरटी लिखता है 30,000 ओम, लेकिन यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं था तो यहाँ आंसर करेंगे 50,000 ओम। नेक्स्ट है निकेल क्या है, तो निकेल इसमें से फेरोमैग्नेटिक है यानी कि लौह चुंबकीय है। निकेल याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, आप बिल्कुल याद रख लो इनको। तो ये लौह चुंबकीय होगा इसका राइट आंसर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको पता ही है कि इसका इनफाइनाइट हो सकता है। अगर कोई प्लेन है तो अब प्लेन का तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, इनफाइनाइट उसकी रेडियस हो सकती है, तो इसका राइट आंसर अनंत राइट आंसर होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, टेंस में ही आपको रटवा दिया जाता है कि लेंस का क्षमता कैसे है मात्रक दोस्त, वो होता है डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आईबी तथा संग्राहक धारा आईसी में कौन सा सही संबंध है। दोस्त ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है मतलब रिलेशन पूछा जा रहा है कि कौन सा बेस्ट रिलेशन है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा अगर आई रहेगा, आईबी रहेगा आधार धारा, और संग्राहक रहेगा आईसी, तो इसमें से जो सही फार्मूला बनेगा वो फार्मूला नंबर बनेगा ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि संग्राहक धारा का जो वैल्यू होगा बेस यानी कि आधार वाला में से उत्सर्जक धारा को घटा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आईसी इज इक्वल टू आई माइनस आई बी, और इन सारी और भी जो ऑप्शन होंगे वो गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टेट कुलम्ब में कितना कुलम्ब होता है, तो चारों ऑप्शन देख रहे हैं, 3×10⁻⁹ दिया है, 3×10⁻⁹ है, 1/3×10⁻⁹ है, राइट आंसर होगा 1/3×10⁻⁹। एक स्टेट कुलम्ब में 1/3×10⁻⁹ कुलम्ब। एक उभयोत्तल लेंस जिसकी अपवर्तनांक 1/1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। यानी कि एक किसी लेंस की अपवर्तनांक दिया है, हालांकि अपवर्तनांक का हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें जो मेन काम करना है वो आर का वैल्यू देखना है। तो ये बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि ए मेरा काम करेगा एफ का, फोकस दूरी का, और लेंस का क्षमता का फार्मूला होता है पी बराबर 1/f, तो 1/20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर मीटर से चेंज करना होगा तो 1/100 से भाग देते हैं, और ये 100 ऊपर जाएगा तो 100/20 यानी कि 5 का कैलकुलेशन आएगा, तो राइट आंसर इसका 5 डायोप्टर हो जाएगा। अब ये फिगर दिया हुआ है, ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है, चाहे तो यहाँ पे रेसिस्टेंट दे देगा, चाहे तो कैपेसिटर लगाया हुआ दे देगा। इस फिगर में आपको कैपेसिटर दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है कि इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, समतुल्य धारिता कितना होगा। तो फिगर वाले में देख रहे हैं आप जो इस सीरीज कम्बिनेशन में सीधा सीधा जोड़ देते हैं और पैरेलल जो होगा उसमें इन्वर्स करके जोड़ते हैं, तो आप इसका टोटल कम्बिनेशन करेंगे तो राइट आंसर आएगा 4/3 माइक्रोफैरड। हम जो कि कर सकते हैं, और अगर आपको सॉल्यूशन दिखाएं तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसको खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर सीरीज रहता तो सिंपल जोड़ते हैं और पैरेलल में इन्वर्सली जोड़ते हैं। नेक्स्ट है थोरियम जिसकी एटॉमिक नंबर 90 होती है और एटॉमिक मास 230 होती है, के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए दोस्त 230 में से यानी कि एटॉमिक मास में से नीचे वाला को घटा दिया जाता है, घटाएंगे तो 140 आ जाएगा, राइट आंसर इज बी ऑप्शन। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितना होता है, तो इसमें चुंबकशीलता जो होता है इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है यानी कि ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्ट अगर 440 वोल्ट है तो इसकी आभासी वोल्टता कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 220√2, क्योंकि √2 जो होती है वो नेस्ट हो जाती है, बोल सकते हैं कि वो 6 हो जाता है उसका, तो 220√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, आवर्धक क्षमता इसका कितना होगा, तो एक आवर्धक ग्लास की क्षमता अगर 12 डायोप्टर होगा तो इसकी आवर्धक क्षमता 4 हो जाएगी, 4 डायोप्टर, यानी कि अगर किसी भी ग्लास का अगर क्षमता 12 डायोप्टर रहेगा तो हमको 4 क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो
तो किया गया कार्य कितना होगा? तो W बराबर निकालना है, तो जो वोल्ट दिया है विभवांतर गुने I इंटू टी, यानी कि W जब बराबर जो फार्मूला होता है V I T होता है, V जितना दिया रहेगा, I जितना दिया रहेगा, T जितना दिया रहेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 15 × 10 × 10, यानी कि 1500 जूल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको गेट दिया हुआ है और हमेशा गेट से सवाल आते ही आते हैं, बोला जा रहा है कि ये लॉजिक गेट्स जो है वो किस तरह का गेट्स को दर्शाता है। तो दोस्त दो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल, मतलब कि ए और बी और यहाँ वाई है, तो ये इनमें से एंड गेट को फॉलो करता है। जब भी इस तरह का गेट्स मिले तो आपको याद रखना है एंड गेट। नेक्स्ट है निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में उसका तरंग दैर्य कितना होगा? तो ये एंगस्ट्रम है, मतलब कि 6000 एंगस्ट्रम, एक वर्णी का प्रकाश में 1.5 है, तो 1 to another इसको डिविजिबल करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 4500 एंगस्ट्रम। तो उस माध्यम का जो तरंग दैर्ध्य रहेगा वो 4500 एंगस्ट्रम राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु का प्रधान अक्ष पर रखा जाए, मतलब कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक लेंस है और इसका चारों पार्ट्स का अपवर्तनांक दिया है। तो बोला जा रहा है कि अगर प्रधान अक्ष पर किसी भी वस्तु को रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो एक पार्ट इसके लिए और एक पार्ट इसके लिए, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 प्रतिबिंब बनेंगे। जब भी ऐसा फिगर दिया रहेगा दोस्त अच्छा से ध्यान से देख लीजिए, तो इसमें टोटल प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो इसकी धारिता क्या होगी? दोस्त 64 समरूप बूंदे हैं जिनकी प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन जाएगा, आप बिल्कुल एकदम इसको रट्टा ही मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीटेड है कि 64 समरूप बूंदे जिनकी प्रत्येक की धारिता 5 रहेगा, डायरेक्ट आंसर करना है 20 माइक्रोफराड। नेक्स्ट है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिनका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ऊष्मा क्या निकालना है? तो ऊष्मा निकालना है, तो ऊष्मा के लिए को हम लोग एच से सूचित करते हैं हीट, और हीट का फॉर्मूला होता है I² R × T। तो जब I² × R × T, I का मतलब धारा और धारा का वैल्यू दिया है, धारा का वैल्यू नहीं दिया है, तो धारा का वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ V और R से हम I निकाल लेंगे, और I² R का तो वैल्यू हमको दिया है यहाँ पे, और T का वैल्यू 20 मिनट है, तो सबको कैलकुलेशन करेंगे तो राइट आंसर जो आपको आएगा वो 2800 कैलोरी आएगा। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान हमेशा कितना होता है? तो इसका हमेशा आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो बिल्कुल ये याद करने वाला बात है कि एम्पलीट्यूड जो होता है उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब प्रकाश का एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है, इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे जैसे ग्लास में प्रकाश इन करेगा तो उसका तरंग दैर्ध्य बिल्कुल घटता जाएगा। प्रतिघात का SI मात्रक क्या है? तो जो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है वही प्रतिघात का भी होता है, यानी कि ओम। दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखें, तो 25 को जो द्विआधारी संख्या में लिखा जाएगा वो 11001 का हॉल 2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे पास 3-4 श्रेणियां होती है, तो उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो बामर श्रेणी में एग्जिस्ट करता है, तो राइट आंसर इसका करेंगे बामर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके पीछे भी एक कैपेसिटर वाला सॉल्व किए थे, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी, यानी कि हमें एक फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें दिखाना है कि टोटल धारिता कितनी होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 20/9 माइक्रोफराड। आप सॉल्यूशन करेंगे जैसे हम लोग पीछे वाला सवाल को सॉल्यूशन करने थे, आप इसको और इसको दोनों को पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे कैपेसिटर का, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? यदि किसी भी आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब रहेगा तो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा 36 पाई × 10^4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब
आंसर होगा 36 पाई इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर देखते हैं, ये पार्ट 1 वाला पेपर था, ऐसे ही हम लोग पार्ट 2 में भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।